सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि गुजरात से क्या होगा। गुजरात क्लियर था, लेकिन गुजरात पे निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि सातवीं बार सरकार बनेगी तो किस धमाके के साथ बनेगी। और वो धमाका आप सब देख पा रहे हैं कि पुराना रिकॉर्ड कांग्रेस का 149 सीट का है वो टूटता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिखाई इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद सरकार में कहीं कोई संकट नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन यह ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट आएगा तब तक हमें वेट करना होगा। हाँ, लेकिन आज बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सकती है 149 सीट का। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं, हमारे साथ भरत भाई देसाई भाजपा से हैं, अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ में, कांग्रेस से भार्गव पदियार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, लगातार पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने चर्चा की और गुजरात में बीजेपी की सरकार को लेकर के किसी तरह का कोई संशय नहीं था, नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन एक बड़ी बात बीजेपी के लिए यह होगी, एक रिकॉर्ड कायम किया बीजेपी ने कि पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। नहीं बिल्कुल, ये तो संशय तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही थी, ये तय था। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत से बनना ये एक बड़ी बात हो गई, जबकि राहुल गांधी खुद अपनी यात्रा को छोड़कर वहां रैली करने गए, केजरीवाल ने जम के वहां कोसा, केजरीवाल ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को रावण तक की संज्ञा दी गई, बड़े अपशब्द उनके बारे में कहे गए, लेकिन वहां की जनता ने जो जवाब दिया है, और मैं आपको बता दूं इंदर जी, जो गुजरात में आंधी चली है ये मेन पूरे देश की नजर गुजरात पे थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो गृह राज्य है तो पूरे देश की नजर गुजरात पे थी, भले ही हिमाचल में जीत जाए या कुछ भी जीत जाए वो एक अलग है, लेकिन गुजरात से जो आंधी चली है ये 2024 तक बरकरार रहने वाली है, ये आप लिख लो, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत की शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उम्मीद नहीं होगी कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और कांग्रेस केवल इतने 19, 20, 15 जो भी सीट उनकी उस पर आकर टिक जाएगी, ये कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं हुई होगी। अब कांग्रेस का पूरा की पूरा दल हिमाचल की ओर भाग चुका है, वहां सारे सचिव भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं सारों ने हिमाचल की तरफ रुख कर दिया है, जबकि बताया जा रहा है वहां 7 सीट में भी 400 का अंतर है, 400 के मार्जिन से वो 7 सीटें चल रही हैं। तो गुजरात का रण जो चला, और अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान किनारे पर है, अगर 2023 में चुनाव होने हैं राजस्थान के, हो सकता है पहले भी हो जाए जो हालात बन रहे हैं, तो जो राजस्थान का एक बड़ा स्टेट है, हालांकि कांग्रेस ने अब कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं कर पाई बीजेपी इस बार, क्योंकि हिमाचल में उनकी सरकार लगभग बन गई है ये तो निश्चित रूप से, लेकिन हिमाचल गुजरात में नरेंद्र मोदी जीते हैं, जबरदस्त तरीके से जीते हैं, लेकिन हिमाचल में जेपी नड्डा हारे, अनुराग ठाकुर हारे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक बड़ा धक्का है कि वो वहां के उनका गृह राज्य है और वहां वो हारे। गुजरात की आंधी का असर आगे क्या होने वाला है, ये जो विशेषज्ञों ने अभी से जो राय जो निकली है, आपने बातचीत मेरे भी काफी लोगों से हुई है, तो पूरी तरह से बीजेपी गुजरात के चुनाव को ही बुनाने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की जो बात चली और यहाँ हिंदुत्व पर जबरदस्त वोट पड़ा, जो प्रमोद कृष्णन ने, मैंने कल भी आपको बताया थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन आज भी बोले हैं, कल भी बोले हैं वो, कि जब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस देश में हिंदुत्व को गाली देती रहेगी, धर्म को गाली देती रहेगी, जब तक ये गेंद। लेकिन इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि प्रमोद कृष्णन किस हिसाब से कह रहे हैं, कब हिंदुत्व को लेकर के गाली दी कांग्रेस ने, वो खरा उनकी पार्टी के नेता हैं, उनको तवज्जो भी उसी तरह से देते हैं ये लोग, लेकिन अभी हिंदुत्व को लेकर के कभी ऐसा मुझे भी याद नहीं है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को लेकर के कोई अनर्गल कोई ऐसा बयान दिया जिससे कहा जा सके कि कांग्रेस उसमें घिर जा दे। नहीं, आपने जयपुर की रैली देखी होगी, आप जयपुर में जब राहुल गांधी आया तो उन्होंने मुद्दा ये छेड़ा और हिंदुत्व, हाँ महंगाई का मुद्दा था, हिंदुत्व पे चले गए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि डेफिनेशन हमारी ये है, हिंदुत्व ये कहता है, इनडायरेक्ट हमला तो हिंदुत्व पर ही था ना, अगर आपको हिंदुत्व गाड़ नहीं देनी तो क्यों मुद्दा छेड़ा। दूसरा,
आप हर बार नरेंद्र मोदी और उनको सांप्रदायिक हैं, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दो भारत हो गए हैं, ये हो गए, तो ये सारा जो हमला होता है इस पे इनडायरेक्ट रूप से तो उस पर ही होता है ना जी। अब वो बोले कि श्री राम मत बोलो, जय जय सियाराम बोलो, अब इसका क्या तुम जी, आप ये बताएं। तो ये कहीं ना कहीं वो इस और घूम तो रहे हैं कि हिंदुत्व पर उनको आना पड़ेगा, और वो अपना रुख उस ओर कर रहे हैं, और शायद आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात को उन्होंने माना भी होगा या जो भी बात है। तो ये पूरी लड़ाई तो देखो अब देश में जो चल रही है, गुजरात में जो चुनाव हुआ है, गुजरात में तो पूरी तरह से जातिवादी चुनाव होता है आपको पता है, और हिंदुत्व में चुनाव हुआ है जो, और पूरा फैक्टर जो चेंज हुआ है, खड़के ने जब मोदी जी को रावण 10 सिर वाला रावण ये जो बोल दिया था, उसको दिल पे लिया गुजरात की जनता ने और खुले रूप से कहा। अब आम आदमी पार्टी ने तो ये आम आदमी पार्टी की जो सीटें आई है, जिनको टिकटें भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिली थी, कुछ तो नेता ऐसे हैं जो काफी नहीं मिल पाती और वो प्रभाव उनका क्षेत्र में होता है, तो उन्होंने मौका पाके उनको टिकट दी, क्योंकि उनका संगठन तो गुजरात में था नहीं आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी बनने में कामयाब हो गई, ये एक बड़ी बात है, और गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई। तो ये कहना बिल्कुल, कि आप सही कह रहे हैं। देखिए, दो बड़े इसमें मैं एक रिकॉर्ड की बात देख रहा हूं मैं। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है 149 का, और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का अपनी एक पहचान यहाँ के वोट के जरिए बना रही है। एक दो मैं बड़े बदलाव इसमें देख रहा हूं, और कांग्रेस की जो स्थिति बनी है उसके लिए कांग्रेस खुद भी जिम्मेदार है। कांग्रेस की रणनीति का कांग्रेस को पता नहीं है कि राजस्थान से रणनीतिकार लगाए हुए हैं अपने। राजस्थान में खुद में संकट चल रहा था, वहां अशोक गहलोत अपने राजस्थान को खुद को अपनी साख बचाएंगे कि गुजरात को बचाएंगे? तो ये तो कांग्रेस के स्तर पे कांग्रेस में लीडर्स बहुत सारे थे, या तो गहलोत जी को फ्री करके रखना चाहिए था। और दूसरा, आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में जनता ने चुना है, कि कांग्रेस वो सब कुछ नहीं कर पा रही है, आम आदमी पार्टी पे उन्होंने भरोसा किया है, वो वोट उधर डाइवर्ट हो गया। बीजेपी ने और ज्यादा वोट लिए हैं जो 2017 में लिए हैं, जो साफ दिखाई देता है। तो चलिए, हमारे साथ में मिस्टर भार्गव भी जुड़ गए हैं। मैं, चलिए, आप भरत भाई देसाई, आपके पास आना चाहूंगा एक बार। मैं एक तो आपको शुभकामनाएं, आप लगातार वहां पे भाजपा अपना कमल खिला रही है और एक रिकॉर्ड तोड़ने आप लोग जा रहे हैं उसके लिए भी। इसी के साथ आपका एक रिएक्शन भी चाहूंगा, जो परिणाम आ रहे हैं उस पर। देखिए, अभिनंदन के पात्र तो गुजरात की जनता है, जिसने पिछले 27 साल से और अगले 5 साल यानी 32 साल तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट किया है और अपना परिवार माना है। दो बातें हैं, 2014 में जब नरेंद्र भाई गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे थे, 2013 में 2012 में, तब सबने उनका बहुत मजाक उड़ाया, कांग्रेस थे सब विपक्ष ने, मगर आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई की सरकार ने 12.5 करोड़ खेड़ूत किसान परिवार हो या उज्ज्वला की मेरी 8.5 करोड़ बहनें हो उनके खाते जा रही है, जनधन योजना के 25 करोड़ अकाउंट जब हमने खोले तब कांग्रेस पार्टी ने हमारा मजाक उड़ाया था कि इतने अकाउंट नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, जब हम जीएसटी लाए तब उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स का उपनाम दिया था, आज वो जीएसटी हर महीने 1.5 लाख करोड़ के करीब भारत की इकोनॉमी में वो मदद कर रहा है, वो बजट अपना जो इंडिया का जो बजट होता है उसमें जीएसटी अभी मेन कंपोनेंट बन गया है पेट्रोल डीजल के बाद। तो जो जो, जो चीजें हमने रिफॉर्म्स, क्योंकि रिफॉर्म्स योगेंद्र जी लाने थोड़े कठिन है, रिफॉर्म लाने थोड़े 2-4-6 महीने थोड़े लोगों को थोड़ा तकलीफ थोड़ा पड़ता है, क्योंकि आपने 70 साल से कुछ किया नहीं है और मोदी जी रिफॉर्म्स जो ला रहे हैं धीरे धीरे तकलीफ हर एक को पड़ता है, मगर उसके बाद आज जो उसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं हमको और भारत को, तो वो अभूतपूर्व है योगेंद्र जी। गुजरात की बात करें तो हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो करोड़ रज्जु जिसको बोलते हैं, वो है विकास, शांति, सुरक्षा और सलामती। विकास हो मगर शांति और सुरक्षा ना हो, सलामती ना हो सिटीजन्स के लिए, तो वो विकास कोई मायने नहीं रखता है। जिस जी तरह से पिछले 27 साल में कर्फ्यू लगना बंद हो गया, बड़े बड़े आतंकवादी हमले भारत में बंद हो गए, पहले लोग लेटर लिखा करते थे कांग्रेस वाले और सब पाकिस्तान को कि ये बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी शाख जो है वो खत्म हो रही है विश्व के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने घर में घुसकर रात को 3 बजे सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को सुबह 5 बजे
ट्रीट करना पड़ा उसके उनके ट्विटर हैंडल से कि भारत हमको घर में आके घुस के मार गया। यानी ये सब बातें योगेंद्र जी, पूरा भारत देख रहा है, गुजरात देख रहा है, तब लव लेटर लिखना बंद हो गया। आतंकवादी हमले बड़े बड़े जो हो रहे थे वो सीज फायर थोड़े बहुत चालू है, मगर वो तो बॉर्डर जो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत है, मगर वो भी पहले से काफी कम हो गए। यानी पूरे भारत में पिछले 8 साल में जो भी बदलाव दिख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई हमारे गुजरात के सपूत है, नरेंद्र भाई ने यहाँ पे 14 साल सक्सेसफुल शासन कैसे होता है, एक 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 छोटा सा छोटे से परिवार। भरत जी एक सवाल है मेरा। गुजरात में जनता ने उन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दिया है या अपने बेटे को ज्यादा तवज्जो दिया है? क्योंकि ये मुद्दों की बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, विकास के एजेंडे पे आप बात कर रहे हैं। हिमाचल की जनता के साथ में ही चुनाव था, मोदी साहब ने वहां भी जमकर के कैंपेन किया, सारे नेता गए, जेपी नड्डा साहब वहां के रहने वाले हैं, वहां की जनता अगर यही परिणाम सामने आते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो खारिज कर रही है। तो मुद्दों का और विकास के एजेंडे का इफेक्ट हिमाचल में क्यों नहीं आ रहा? या फिर ये कहें कि गुजरात ने अपने सपूत को जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं 2014 में एक मॉडल लेकर के गए उसको ज्यादा लाइक किया है? योगेंद्र जी कुछ बातें मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं हम, वो मैनिफेस्टो में कुछ बातें होती है, हर एक प्रदेश की अलग अलग बातें होती है। यहाँ पर आम आदमी ने, हमारा गुजरात का बजट योगेंद्र जी 2.5 लाख करोड़ रुपए का है सालाना, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ जो वादे किए थे मुफ्त वाले जो रेवड़ी नरेंद्र भाई जिसको बोलते हैं वो 8 लाख करोड़ के करीब थे। यानी आप मैनिफेस्टो में ही आप अगर गलत बोल रहे हैं जो कि जनता को तो 5 साल के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ, अभी तो वो मुफ्त दे के शायद, तो ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा शायद किसी प्रदेश में चला हो, शायद कोई प्रजा वहां के वो ऐसे प्रोपेगेंडा में आई हो, मुझे नहीं पता हिमाचल प्रदेश का ज्यादा। मैं वापस आ रहा हूँ भरत भाई, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। हमारे साथ में भार्गव परियार जी भी जुड़ गए हैं। भार्गव साहब आपका स्वागत है, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा जो मैं स्थिति देख रहा हूँ गुजरात में, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप सीएलपी लीडर भी नहीं बना पाएंगे वहां। नमस्कार, आपकी बात सही है, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का बहुत ही लो परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन गुजरात में हमने मुद्दों की बात, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पानी में पूरा गुजरात डूबा हुआ था जब बारिश होती है तब, खड्डे की बात की, लेकिन ये मुद्दे अभी जनता को स्पर्श नहीं हुए। और जो गुजरात के बेटे जो प्रधानमंत्री है उसके नाम पर वोट मिले, एक 182 असेंबली में अगर कहीं भी गुजरात के ग्रोथ की बात की हो कहीं भी तो आप मेरे को बता दीजिए, प्रचार में सिर्फ बात की है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बात की है कि भारत के बेटे हैं, गुजरात के बेटे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 28-28 किलोमीटर 32-32 किलोमीटर के रोड शो किए, गुजरात डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं हुई है। वरना अगर गुजरात डेवलपमेंट की बात होती तो मोरबी में जो पुल गिरा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती, और जो उसको जिस कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो आज विदेश में नहीं होते। दूसरा के बोटाद में जो लट्ठा कांड हुआ है उसकी बात होती, अगर गुजरात में विकास के नाम पे वोट मिला होता तो हिमाचल में भी विकास के नाम पे वोट मिलना चाहिए, दिल्ली में भी 15 साल का जो शासन था कॉर्पोरेशन में दिल्ली एमसीडी में तो उसमें भी विकास के नाम पे वोट मिलना चाहिए था बीजेपी को। और इसके अलावा बाई इलेक्शन सभी जगह अभी चल रहे हैं, सभी जगह में बीजेपी हार रही है, सभी जगह में बीजेपी पीछे है, इसलिए गुजरात के लोगों ने गुजरात के बेटे को मोदी जी को वोट दिया है। डेवलपमेंट के नाम पे वोट इन लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर डेवलपमेंट के नाम पे अगर इनको वोट मिलता होता तो विजय भाई, आनंदीबेन और भूपेंद्र भाई तीनों अपने डेवलपमेंट गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में प्रचार करते और बात करते हैं कि रेवड़ी की। तो पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बाहर निकाला, फिर आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला, वही मैनिफेस्टो सेम टू सेम बीजेपी ने निकाला है कि हम भी 3000 इंग्लिश मीडियम। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। प्रमोद जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैनिफेस्टो कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी राज्य में, नॉट ओनली इन गुजरात एंड हिमाचल, एवरीवेयर इफेक्टिव दिखाई देता है कहीं पे? देखो मैनिफेस्टो की याद तो एक साल पहले जब सुना होगा एक साल रह जाता है जब याद आती है मैनिफेस्टो की, आप उठा के देख ले, 4 साल तक तो ऐसे ही चलता रहता है,
फिर एक जब विपक्ष हल्ला मचाने लगता है कि बेंच पोस्टों में उन्होंने ये काम नहीं किया वो नहीं किया, जब एक साल उसके बाद याद आती है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल मैं इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि गुजरात के जो गृह राज्य का फायदा नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़ा गृह राज्य का फायदा मिला है ना। वरना हिमाचल में देखो, हिमाचल में कितना इन्होंने मोदी जी गए और भी लीडर पूरी ताकत लगाई थी, वो प्रियंका गांधी अकेली थी, प्रियंका गांधी ने ही मोर्चा वहां संभाला हुआ था। तो फिर तो वहां सच्चाई है कि और पिछली वहां तो 5 साल की सरकार है, 5 साल और यहाँ तो 27 साल की सरकार का वो है। तो निश्चित रूप से देखो विकास का है ना मुद्दे जो है वो गौण हुए थे बाद में, शुरू में चले बातचीत हुई मुद्दे की भाई हमारा ये है। और मैं तो केजरीवाल जी की जो राजनीति का जो अर्थ है उन्होंने समझा ऐसा ही कि राज का मतलब शासन और नीति कि सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य करने की जो नीति है उसको उन्होंने अपनाया है। तो उन्होंने सार्वजनिक स्तर को आर्थिक स्तर को ध्यान में रखा है जो भी, तो उस हिसाब से वो जो चले हैं उस हिसाब से उन्होंने सीट ली। एमसीडी दिल्ली की बात करें गुजरात में थोड़ी बहुत सीट आई, मैनिफेस्टो को तो जो है उसको विपक्ष अगर कितना शुरू से उठाता है वो एक बड़ी बात हो जाती है जी, ताकि एक साल का जो समय रहे जब भी उठाने के लिए तैयारी ना करे। लेकिन गुजरात का काम भारतीय जनता पार्टी को 2024 तक बड़ा लाभ मिलने वाला है, इतना प्रचंड बहुमत का इसमें कोई दो राय नहीं। पड़ोसी राज्य में भी चुनाव आने वाला है और वहां जो अशोक गहलोत को प्रभारी कांग्रेस ने बनाया दूसरी बार हरा के आए, पिछले बार भी हुई थे इस बार भी हुई थे, दूसरी बार भी वो सफल वहां नहीं हो पाए। तो एक तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा पे जो कांग्रेस का ज्यादा ध्यान था ना कि इन चुनाव पे ज्यादा ध्यान दिया उसका खामियाजा निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनाव में गुजरा। लेकिन प्रमोद जी, प्रमोद जी ये जो रिजल्ट है दोनों को अगर हम देखते हैं तो एक बात तो तय मानी जा सकती है कि चलिए एक बड़ी खबर ये आ रही है, मैं रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीत गई हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखा है और वो बड़े अंतर से ये चुनाव जीता है उन्होंने। मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने की वजह से पार्लियामेंट सीट खाली हुई थी और उनके पुत्र हैं अखिलेश, उनकी वाइफ यानी कि पुत्र वधु डिंपल जो पहले भी सांसद रह चुकी हैं उन्होंने जीत दर्ज कराई है। तो डिंपल ने चुनाव जीत दर्ज कर ली है, समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई है और एक विपक्ष की सीट कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट में जो सीटें उनमें एक सीट का और इजाफा हुआ है। इकलौती लोकसभा सीट थी बाई इलेक्शन में, 5 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से एक राजस्थान की है, वहां लगभग जीत तय है। 2 अन्य सीट जो है कुछ देर पहले तक समाजवादी पार्टी उनमें आगे चल रही थी विधानसभा में, एक सीट ओडिशा में है। जैसे अभी कहा जा रहा है भार्गव जी कह रहे थे कि एक भी सीट पर भाजपा बाई इलेक्शन में आगे नहीं चल रही है। खैर मैं जो प्रमोद जी कहना चाह रहा था कि देखिए लोकल इश्यूज मुझे लगता है कि आजकल हर राज्य में अपने तरह से चलते हैं। अगर वास्तव में हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीत रही है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे पर, तो वही तो महंगाई पूरे देश में है, फिर गुजरात में क्यों नहीं? गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी को अगर है तो कांग्रेस क्यों नहीं बुना पा रही है? कांग्रेस को कुछ जगह पे ये देखना होगा कि बीजेपी उन मुद्दों को उठाने में बहुत ही चैंपियन है। अब ये जैसे आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले आप AICC की जब बैठकें चल रही हैं उसमें मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला, उन्होंने चाय की केतली उठा ली पूरे देश भर में, एक अभियान चला दिया, कांग्रेस को उससे बड़ा नुकसान हुआ। आप गुजरात में जाकर के रावण से तुलना कर रहे हो नरेंद्र मोदी की, तो आपके पास में वो टीम है जो उस बात को वहां स्पष्ट कर सके कि हमने रावण नरेंद्र मोदी को इस वजह से कहा है। बीजेपी के पास में वो फौज है, किस संदर्भ में कहा उसको खारिज करके कहें कि नरेंद्र भाई मोदी जो अपने मोटा भाई वो गुजरात के एक नाक है, हमारे लिए एक हमारे बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री बने, पहली बार दूसरी बार ऐसा हुआ है, और अपने बेटे को अगर कोई गाली गुजरात में आके देके जा रहा है तो आप सोचिए क्या होगा, उसको बुना डाला उन्होंने। ये जो 154 सीट का आप आंकड़ा देख रहे हैं रुझान में, मैं अभी विश्लेषकों से कुछ बात हो रही है, 4 दिन में, 3 दिन से 4 दिन में जो
नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा रोड शो पहले नहीं किया कभी। वो रोड शो के जरिए और जो चीजें थी उनमें भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस का भार्गव साहब वहां पे एक बड़ी कमी रही आपके यहाँ पे, रणनीति नहीं बन पाई जो रणनीति बननी चाहिए थी। और AICC जनरल सेक्रेटरी जनरली किसी राज्य के प्रभारी बनाते हैं। रघु शर्मा जी से राजस्थान में एक मंत्री पद से आप रिजाइन करा करके आपने प्रभारी बना दिया वहां पे। अच्छे नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गहलोत साहब को ऑब्जर्वर बना करके रखा, लेकिन गहलोत साहब तो राजस्थान में खुद ही फंसे हुए हैं। वो सचिन पायलट के और उनके डिफरेंस ही नहीं सुधर खत्म हो पा रहे, तो गुजरात में कैसे टाइम दे सकते। देखिए चुनाव जिताने के लिए पिछली बार अशोक गहलोत ने मेहनत की थी, कोई डाउट नहीं। 77 सीट तक चले भी गए, यह उनका एक मेहनत थी। लेकिन अब की बार तो कांग्रेस से पता नहीं किस तरह की तैयारी में थी और किस तरह की स्थितियां कर रही थी। खैर मैं आऊंगा भरत भाई आपके पास में। मैं जो सवाल कर रहा था प्रमोद जी से, तो प्रमोद जी हिमाचल में अगर महंगाई का जादू चलता है तो गुजरात में क्यों नहीं चला? और अगर गुजरात में विकास के एजेंडे पे बीजेपी जीत रही तो हिमाचल में विकास का एजेंडा क्यों नहीं चला? नहीं देखो, इसमें क्या है कि एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अभी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर गुजरात के, उन्होंने भी इस बात को माना कि लोकल लीडरों के भरोसे गुजरात का चुनाव छोड़ दिया गया। तो शुरू में तो ये मुद्दे चले, महंगाई चली, बेरोजगारी शुरू में तो चले कि विकास हमने ये किया, लेकिन बाद में जब कांग्रेस के लीडरों की तरफ से ऐसी टिप्पणियां आना शुरू हो गया था, शुरुआत वहां से हुई गिरावन आवन कहने से, तो पूरा चुनाव व्यक्तिगत रूप से हो गया। अब आप निश्चित रूप से हिमाचल में तो ये एंटी इनकमेंसी भारतीय जनता पार्टी की चली है। जनता वहां की पहले ही सारे एग्जैक्ट बोल ने बता दिया कि जनता जो है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, सरकार से। जयराम ठाकुर इतना वो नहीं कर पाए, वहां की पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाए, जो उनको चाहिए था वो नहीं दे पाए। लेकिन प्रमोद जी नड्डा जी क्योंकि हिमाचल से आते हैं, उनकी साख पर भी असर पड़ेगा इसका? देखो बहुत बड़ी एक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, और अनुराग ठाकुर है उनको भी आप कम लीडर मत समझो, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, उनका वो आता है। अब अपने स्टेट को कामयाब करने में सफल हो गए, अपने स्टेट को चाहे देखो, आप ये कह रहे हैं कि वो इतने बड़े रोड शो किए, उनकी पार्टी है, प्रचार तो उनके लीडर ही करेंगे, आपको किसने रोका है? आप राहुल गांधी को लाके करवाओ ना, कितने प्रचार कराओ, खूब प्रचार। प्रमोद जी समय कम है, मैं 30-30 सेकंड भरत भाई और भार्गव जी के पास में जाना चाहूंगा। भरत भाई एक तो आप पे कुछ कहना चाह रहे थे बीच में अभी कुछ। देखिए सब लोग बात कर रहे हैं रावण वगैरह की, मगर जो मुद्दे है, जो किसान की आवक योगेंद्र जी 16,000 करोड़ रुपए 2001 में थी, वो आज 2,00,000 करोड़ के पार हुई है गुजरात में। जो दूध का प्रोडक्शन यहाँ पर 5-10,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो आज 8,00,000 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। तो यहाँ पर हमने जमीनी जो हकीकत है उसके ऊपर हमने काम किया है। 400 से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की जो मोदी साहब की जो स्कीमें हैं भारत देश की, भारत सरकार की, वो जो लास्ट आदमी होता है गांव का वहां तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोगों ने काम किया है, और नरेंद्र भाई ने वो विश्वास कायम रखा है। गुजरात की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, कोई ऐसे ही किसी को वोट नहीं दे रहा है। 27 सालों से हमने जो शांति सुरक्षा और सलामती गुजरात को दी है और भारत को दी है 8 सालों से, वो सब गुजरात की और भारत की जनता बखूबी देख रही है। और वो सब देख के कोई ऐसा कोई नहीं, मैं मेरे घर में अगर रह रहा हूँ, मेरी मम्मी को बोलूं कि मुझे वोट दे रहा, तो वो भी एक बार क्वेश्चन करेगी कि बेटा क्यों दूं तेरे को, तूने क्या किया था। तो हम काम कर रहे हैं, लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है, और नरेंद्र भाई ने वो विश्वास कायम रखा है और अगले कई सालों तक वो कायम रखने वाले है, जिनका जादू जो है मोदी लहर जो है वो अगले कई सालों तक वो जारी रहने वाली है। चलिए भार्गव जी एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा, कमियां अगर थी तो आप लोग गिनाने में कामयाब नहीं हो सके। बीजेपी का दावा है कि हमने जो काम किया वो जनता के बीच लेकर के गए और जनता के जहन में उतारने की पूरी कोशिश की हमने, कि हमने विकास के नाम पर हम वोट ले रहे हैं। आप लोग फेल रहे महंगाई के मुद्दे पे या बेरोजगारी के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था या दूसरी चीजों पर। हमने जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रचार किया है वो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर ली, हम सभी लोगों से मिलते रहे। अगर लोकतंत्र का यही है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है। मैं किसी की गलतियां गिनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो आपने 30 सेकंड बीजेपी को दिए, उसने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात की, नहीं भूपेंद्र भाई की बात की, नहीं आनंदीबेन की बात की, नहीं विजय भाई की बात की,
गुजरात में ही तीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी के बाद, तो डेवलपमेंट के भार्गव साहब हमारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। देखिए ये मुद्दे गौण हो चुके हैं। हर राज्य में बीजेपी को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है। आप उस दौर को याद करिए कि इंदिरा गांधी के नाम पर ही राज्यों में वोट मांगे जाते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो हर समय पर हर पार्टी अपने पास कोई बड़ा फेस होता है उसे बुनाने की भरपूर कोशिश करती है। आज बीजेपी कर रही है, बीजेपी के पास में चेहरा, बीजेपी को लगता है कि नफा और नुकसान दोनों नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़े हुए हैं और हमें उन्हीं पे बाजी खेलनी है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी प्रदेश नेशनल अध्यक्ष है बीजेपी के, और प्रधानमंत्री जी ने भी हिमाचल में बहुत सारी रैलियां की, तो हिमाचल में उसका असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि गुजरात के वो बेटे हैं और उन लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर आपके लिए एक एक्सरसाइज का पॉइंट है। कांग्रेस को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हिमाचल में हम सफल कैसे हुए, उस मॉडल को बनाइए दूसरे राज्यों में। अभी भी सर हिमाचल और गुजरात के बाद 9 राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होगा, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार है वो भी है, मध्य प्रदेश जहां जीत आपकी हुई थी लेकिन सरकार भाजपा बना गई मिड टर्म पे। तो अभी आप ध्यान रखिए कि हिमाचल में जीते कैसे हैं, उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करिए और एक्सरसाइज करिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके फैसले में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।